अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स एज यू नो वी हैव स्टडीड अबाउट द फोटोपीरियोडिज्म इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वर्नलाइजेशन. सो व्हाट इज वर्नलाइजेशन? बायनियल एंड पेरिनियल प्लांट्स आर स्टिमुलेटेड टू फ्लॉरिंग बाय एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर. इसको हम कहते हैं वर्नलाइजेशन. बायनियल वो प्लांट्स होते हैं जो कि एक साल में दो दफा जो है वो ग्रो करते हैं, राइट. और पेरिनियल जो है वो पूरा साल ही वो ग्रो करते रहते हैं. ये प्लांट जो होते हैं वो अगर लो टेम्परेचर हो तो उसमें फ्लॉरिंग करते हैं, ठीक है. इसे हम कहते हैं वर्नलाइजेशन, राइट. और ये जो स्टिमुलस है ये शूट एपेक्स जो है वो रिसीव करती है. सो इफ वी टॉक अबाउट द एमसीक्यूज इन दिस टॉपिक, द ड्यूरेशन ऑफ लो टेम्परेचर एज इट इज वर्नलाइजेशन. सो चिलिंग का जो ड्यूरेशन है रिक्वायर्स वेरीज फ्रॉम 4 days to 3 months एंड टेम्परेचर अराउंड 4°C इज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव इन दिस परस्पेक्टिव. फर्दर मोर वी आर स्टडिंग द हार्मोन विच इज वर्नालिन एंड ऑल्सो जिब्रेलिन. सो रिसेंट स्टडीज शो दैट जिब्रेलिन इज द हार्मोन विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर वर्नलाइजेशन. एंड वट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्नलाइजेशन? It ensures that members of same species flower at same time, encouraging cross-pollination for genetic variability. तो अगर genetic variability लानी है जिसमें variations होती हैं, जिसमें variety होती है एक population के अंदर, तो उसके लिए cross-pollination की ज़रूरत है. और उसके लिए ये जो है एक species को ensure करती है कि एक species के member जो हैं वो एक same time पे फ्लॉरिंग करें. तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल होता है? वर्नलाइजेशन की वजह से. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इन दिस टॉपिक. सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एंड एनिमल्स लाइक प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेस कॉमन इन एनिमल्स एज कम्पेयर टू प्लांट्स, राइट. तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट की निस्बत एनिमल में इतनी कॉमन नहीं होती है. एनिमल में ज़्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. इन हनी बीज मेल्स आर हैप्लॉइड एंड प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज पार्थिनोजेनेसिस. पार्थिनोजेनेसिस क्या है? कि विदाउट फर्टिलाइजेशन एक एग डेवलप कर जाता है, कोई भी जायगोट नहीं बनता है. इनफैक्ट तो पार्थिनोजेनेसिस में जायगोट नहीं बनता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एक एग जो है वो डेवलप हो जाता है. एंट्स बीज एंड वैल्स आर गुड एग्जांपल्स. हनी बीज आल्सो प्रोवाइड एन ए गुड एग्जांपल ऑफ पार्थिनोजेनेसिस. सो व्हाट इज हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस? इन हनी बीज क्या होता है कि एग्स मे बी फर्टिलाइज और मे नॉट बी फर्टिलाइज फ्रॉम द स्टोर्ड स्पर्म. द हैप्लॉइड एग डेवलप इनटू हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग. इसे हम कहते हैं हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस. तो हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है कि हैप्लॉइड एग जो है वो हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. तो इसे हम कहते हैं हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस. उसके बाद अगर हम मूव करेंगे कि डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस क्या है. इन सम केसेस फॉर एग्जांपल इन एफिड्स डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में अगर इन विच एग प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ फीमेल अंडरगो ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मियोसिस इन्वॉल्विंग टोटल नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स दे रिटेन द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो बेसिकली स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि एग जो है वो डेवलप होता है यंग फीमेल में. इसमें जो एग प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं फीमेल के उनमें होती मियोसिस ही है लेकिन थोड़ी सी मॉडिफाई होती है जिसमें टोटल नॉन डिसजंक्शन होती है क्रोमोसोम्स की और उनमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिटेन होते हैं, ठीक है. डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हर डिप्लॉइड डेवलप हो जाता है किसमें? फीमेल में, राइट. एंड देन इज द एडवांटेज ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, इट एक्सेलरेट्स द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव रेट. नेक्स्ट, सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इन ऑन दिस पेज. And also some important short questions may be asked as I have indicated for you people. So student, next topic is tissue culturing and cloning. In tissue culturing technique in plants, cambium tissues excised from plants can be stimulated by the addition of nutrients, cytokines and IAA. Thus, these cells show continuous growth and differentiate into new plant genetically identical to their पेरेंट्स. तो टिश्यू कल्चरिंग में क्या होता है बेसिकली
कैम्बियम टिश्यूज को प्लांट से काटा जाता है, ठीक है, और वहां पे कुछ न्यूट्रिएंट्स साइटोकाइन्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, ठीक है, और उनकी इन सेल्स की कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है और वो एक नया प्लांट बना लेते हैं जो कि बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह का होता है. इसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चरिंग. नेस्ट इज द डेफिनेशन ऑफ एपोमिक्सिस. स्टूडेंट्स, एपोमिक्सिस जो है ना वो फ्लावरिंग प्लांट्स में पार्थिनोजेनेसिस की एक फॉर्म है. इसमें क्या होता है, डिप्लॉयड सेल ऑफ ओव्यूल, चाहे वो न्यूसिलस से आए या मेगास्पोर से, डिप्लॉयड सेल ऑफ ओव्यूल जो है वो फंक्शनल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, हालांकि वहां पे मेल गैमेट नहीं होती है क्योंकि ये पार्थिनोजेनेसिस है. यू नो अबाउट इट ऑलरेडी, यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो फर्टिलाइजेशन नहीं है इसका मतलब ये है कि एब्सेंस है मेल गैमेट की. तो क्या होगा कि डिप्लॉयड सेल ओव्यूल का फंक्शनल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, तो बाकी का जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और ओवरी ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में. सो इट इज एपोमिक्सिस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट. वेल स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द क्लोनिंग. क्लोनिंग क्या होता है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल सेल बाय सेल कल्चरिंग, क्लोनिंग आर कॉल्ड क्लोन्स. तो सब कल्चरिंग को हम क्लोनिंग कहते हैं, जिसमें आइडेंटिकल इंडिविजुअल बनाए जाते हैं पेरेंट्स की तरह के, और जो है डिजायरेबल एनिमल्स बनाए जा सकते हैं, और ये क्लोन होते हैं जो कि सिंगल सेल से बनते हैं बाय सब कल्चरिंग, राइट. तो उसके बाद ये है कि क्लोनिंग ऑफ डिजायरेबल एनिमल्स सच एज प्राइज बुल्स, रेस हॉर्सेस, ईटीसी माइट बी एज यूजफुल एज क्लोनिंग ऑफ यूजफुल वराइटीज ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की भी क्लोनिंग का फायदा होता है, लेकिन इन एनिमल्स की क्लोनिंग का भी उतना ही फायदा होता है जितना कि प्लांट्स की क्लोनिंग का होता है. वेल स्टूडेंट, दीज वर द इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs विद अ ब्रीफ एलैबोरेशन इन द गिवन टॉपिक्स, एंड द अपकमिंग टॉपिक्स विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह. ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.